गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास। सो मुबारक हो नई क्लास में आने की। तो आज हम EVS का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, 12th क्लास की EVS, आप सबको पता है। सो सबसे पहले हम लोग आपके सिलेबस को देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, ठीक है। ये देखो, यहाँ आपका, ये मैंने यहाँ पे बताया होगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पूरा EVS का पेपर होगा, उसमें से थ्योरी का पेपर होगा आपका 70 मार्क्स का, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट हो गए 30 मार्क्स, 70 + 30 = 100, ओके। टोटल यूनिट्स जो हैं वो EVS में आपके 7 यूनिट्स हैं, हर यूनिट 10 मार्क्स का है, 7 यूनिट, 10 × 7 = 70, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, आपका जो सिलेबस कॉन्टेंट है यहाँ पे, सिलेबस कंटेंट आपका पूरा किस पे बेस्ड है, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स और उनके मैनेजमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें देखो, आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ यूनिट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, उन पे बेस्ड हैं। एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन्थ, उन्हीं प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया गया उस पे बेस्ड है, ठीक है। ये था आपका यहाँ पूरे सिलेबस का कॉन्टेंट क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट आज हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। आपका फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, इस यूनिट में दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन एंड द सेकंड वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम नॉइज़ पोल्यूशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, उसी का इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको। एज वी ऑल नो कि एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, जो सराउंड करती है हमारी अर्थ को, मिक्सचर ऑफ गैसेज जो सराउंड करती है हमारी अर्थ को, ठीक है, और जिसको ह्यूमंस, जानवर और इंसान ब्रीथ करते हैं। हम सांस लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एयर, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स भी यही लेते हैं। अब ये आगे इसकी कंपोजिशन के, नाइट्रोजन कितना होता है इसमें, 78%, ये मैं अभी आपको एटमॉस्फेयर वाले यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेज बहुत स्मॉल माइन्यूट अमाउंट में होती हैं, जिनको ट्रेसेस कहा जाता है, ठीक है। ये होती है इसकी कंपोजिशन। इसी कंपोजिशन में जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, कोई चेंज आ जाती है, अल्ट्रेशन होता है, तो हम क्या कहते हैं कि एयर का कंपोजिशन चेंज हो गया, दैट मींस डिटेक्ट कर सकते हैं कि पोल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब पोल्यूशन हमारे पास क्या रहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी हार्मफुल मटेरियल का इंट्रोड्यूस हो जाना एनवायरनमेंट में, वो कॉज करता है क्या, पोल्यूशन। और उन्हीं हार्मफुल मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, पॉल्यूटेंट्स, ओके। यही हार्मफुल मटेरियल जो एनवायरनमेंट में इन्वेट करते हैं, एंटर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पोल्यूशन कॉज करते हैं, इन मटेरियल्स को कहा जाता है क्या, पॉल्यूटेंट्स, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं हम एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल फॉरेन पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर, ठीक है। अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड मतलब वो चीज़ें जो कि एयर की कंपोजिशन में ज़रूरी नहीं है, उनका एयर के कंपोजिशन कंपोज करना, उनका एयर में एंटर हो जाना, ठीक है, एनवायरनमेंट में एंटर हो जाना, विच मे हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेशंस एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ठीक है, जिनका एडवर्स इफेक्ट, गलत इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट रहता है किस पे, इन सारे लिविंग बींग्स पे, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पे, ठीक है, बिल्डिंग्स पे, जैसे कि ताजमहल आपने देखा हुआ है, इसी ड्रेन से खराब हुआ, इन सब चीज़ों पे क्या होता है इसका, एडवर्स इफेक्ट रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट आ गया हमारे पास पॉल्यूटेंट, वही मैं आपको बता चुकी, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी एयर में एंटर कर जाए, एयर को पोल्यूट करे, उसको क्या कहा जाता है, पॉल्यूटेंट, ठीक है, जिसका जो टॉक्सिक इन नेचर होता है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट रहता है, ठीक है, जो पोल्यूट करता है हमारी एयर को, उसको क्या कहते हैं हम, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब एयर पॉल्यूशन की टाइप्स, ठीक है। अब देखो, एयर पॉल्यूटेंट्स की तीन क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिन, सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस इन एनवायरनमेंट। बेस्ड ऑन ओरिजिन के कैसे, उनका ओरिजिन क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। प्राइमरी आपको पता है, मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया कि प्राइमरी कोई भी चीज़ जो क्या होगी, जो किसी चीज़ से डिराइव ना हो, ठीक है। अब सेकेंडरी जो प्राइमरी से फर्दर डिवाइड हुई, ये अराइज हुई, ये देखो, फिर टर्शरी,
क्वार्टरनरी, ऐसे मैंने आपको बताया हुआ है ना, प्राइमरी इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। जैसे आपके पास एक मेन ट्री है, उसका मेन जो बाग ये रहता है क्या, स्टेम रहती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहेंगे क्या, प्राइमरी। एंड फर्दर जो उससे आगे ब्रांचेस निकलेंगे उनको हम कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है। ऐसे ही प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। आफ्टर द बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पे कैसे है, गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट। गैसियस मीन्स गैसेस, एयर पोल्यूटेंट्स वो जो गैसेस गैसेस की फॉर्म में होंगे, दूसरा पार्टिकुलेट मतलब जो कि किसी सॉलिड मटेरियल की थोड़ी फॉर्म में होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आ गया बेस्ड ऑन प्रेजेंस इन एनवायरमेंट, इनडोर एयर पोल्यूटेंट्स, आउटडोर। इनडोर आपको पता ही है, जितनी भी आप घर पे ये हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स स्प्रे के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, इंडोर एयर पोल्यूटेंट। जितने भी घर में हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आउटडोर आपको सबको पता ही है, जैसे गैसेस निकल रही हैं इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, वो सब, ठीक है। ये थी आज क्या हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब कल हम इसी क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाई वन, ओके। सो यहाँ आज का लेक्चर ख़त्म होता है, स्टे ब्लेस्ड।